मेरा नाम नरेंद्र सिंह है मेरा सवाल यह है कि बिना पढ़े परीक्षा में कैसे पास हुआ जाए oh, नरेंद्र सिंह <laughs> बिना पढ़े परीक्षा में कैसे पास हुआ जाए मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि आप पास ना हो Because, क्योंकि जब आप कहते हैं कि बिना पढ़े परीक्षा में कैसे पास हुआ जाए वट यू आर सेंग तो आप कह रहे हैं कि किसी भी चीज के बारे में कुछ भी जाने बिना सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया जाए सो इफ यू बिकम अ डॉक्टर तो अगर आप एक डॉक्टर बन गए जो चीज आपको जाननी चाहिए उसे जाने बिना आप पास हो गए और एक डॉक्टर बन गए तो हम नहीं जानते कि आप कितनी जाने लेंगे Without... बिना पढ़े या जरूरी चीजें जाने बिना अगर आप एक इंजीनियर बन गए तो आप कोलकाता वाला पुल बनाएंगे <laughs> इससे पहले कि उस पुल से कोई पार हो वो लोगों के सिर पर डह जाता है और जाने ले, ले लेता है हम नहीं जानते कि आप कौन सी दूसरी तबाही मचाएंगे अभी आपके साथ बस इतना हुआ है कि आपने अपने अहंकार को ताकत दी है और अपनी इच्छाएं बढ़ा ली हैं नहीं आपको करना यह चाहिए कि आप अपनी बुद्धिमत्ता को ताकत दें और अपनी क्षमताएं बढ़ाएं आपको यही करना चाहिए शिक्षा का यही मकसद है जीवन का यही मकसद है मगर अफसोस की बात है कि आपको लगता है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षाएं पास करना है शिक्षा का मतलब परीक्षाएं पास करना नहीं है शिक्षा का मतलब है सीखना लगता है दुनिया इस बात को भूल गई है तो जो लोग परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं बिना पढ़े जो लोग जीतना चाहते हैं खेल खेले बिना जो लोग उन कार्यों का श्रेय पाना चाहते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं ऐसे लोगों को एक चीज हासिल होगी वो जिए बिना ही मर जाएंगे उन लोगों को ये एक चीज जरूर हासिल होगी क्योंकि अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको शामिल होना होगा आपको अपने विवेक और अपनी क्षमता को सशक्त करना होगा किसी भी काम को अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छे तरीके से करना देर इज फुलफिलमेंट इन दिस इसी में संतोष है इसी में खुशी है इसी में जीवन है बिना पढ़े परीक्षा पास करना बिना खेले खेल जीतना बिना योग्यता के श्रेय मिलना इसमें सिर्फ अहम संतुष्ट होता है ईगो क्योंकि आप बस अपने आसपास के असफल लोगों को देखकर खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं जैसा मैंने कहा निश्चित रूप से आप जिए बिना ही मर जाएंगे इफ यू थिंक अगर आपको लगता है कि बिना पढ़े पास होना सफलता है तो निश्चित रूप से बिना जिए मर जाना तो बहुत बड़ी सफलता होगी और आप सफल हो जाएंगे नरेंद्र सिंह धोनी <laughs> और मोदी नहीं यह तो हर चीज के चैंपियन है जो इंसान बिना पढ़े परीक्षा में पास होना चाहता है वो हर चीज में चैंपियन है अगर आप हर चीज में चैंपियन हैं, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग खिसका हुआ है अगर आप किसी एक चीज में चैंपियन हैं, उस एक चीज में चैंपियन बनने के लिए जबरदस्त कोशिश करनी होती है आप हर चीज में चैंपियन है क्योंकि आपका दिमाग खिसका हुआ है? और जब आप हर चीज के चैंपियन बन जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको कुछ भी करना नहीं आता yes? आपको कुछ भी करना नहीं आता <laughs> नरेंद्र सिंह ये मेरी कामना और आशीर्वाद है कि जो लोग नहीं पढ़ते उन्हें फेल हो जाना चाहिए जो लोग नहीं जानते कि कैसे खेला जाए उन्हें हार जाना चाहिए जो योग्य नहीं है उन्हें इस दुनिया में सम्मान नहीं मिलना चाहिए यही मेरी कामना है यही मेरा आशीर्वाद है तो आप बस गलत आदमी के पास आ गए ऐसे लोग भी हैं जो आपको आशीर्वाद देंगे कि चिंता मत करो पढ़ाई मत करो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तुम पास हो जाओगे मैं उन लोगों में से नहीं हूं आप बस गलत जगह आ गए हैं हर चीज के चैंपियन hmm? अगर आप इसके लिए ना करें तो अच्छा है अगर आप हर चीज के चैंपियन बनना चाहते हैं तो जीवन आपको रास्ते पर ले आएगा अगर आप फेल हो जाते हैं तो यह अच्छी बात है कम से कम आप इतना तो जान जाते हैं कि आप अगला कदम उठाने के काबिल नहीं है lose. अगर आप खेल में हार जाते हैं तो आप जान जाते हैं कि आप उतना अच्छा नहीं खेलते आया ना हार का यही मकसद है पास या फेल होने का यही मकसद है यह जानना कि मैं अगला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं या नहीं दुनिया को मूर्ख बनाना नहीं आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन समस्या यह है कि आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आप खुद को ही मूर्ख बना देंगे यही सबसे बड़ी समस्या है सो नरेंद्र सिंह धोनी नाथ मोदी उन नामों के पीछे काफी मेहनत छुपी है इस बात को यहीं खत्म करते हैं वरना मैं और बुरी बातें बोलूंगा क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो बिना पढ़े पास हो जाते हैं